इतना बड़ा हॉस्पिटल है, आप लोग घूम के जाके देखिए कि आशा के लिए कौन सा एक रूम होगा, आशा के एक साधन आप बता दीजिए। नहीं मांग रहे हैं, नहीं रोएगा तब तक खाना नहीं मिलेगा, आजकल का युग है नहीं लड़िएगा तब तक कुछ नहीं मिलेगा, भूखे मर जाइएगा रोड पर। रक्सौल के मेन गेट को जाम कर दिया है लोग, बैनर लगा दिया है लोग, और इन लोगों का मांग क्या है, नीतीश कुमार को लेकर नाराबाजी किया जा रहा है और इस हॉस्पिटल के प्रभारी पर भी लोग गुस्सा है। तो चलिए इन लोग से बात करते हैं कि आखिर क्या इनकी मांगे हैं। वैसे कहा जा रहा है कि हम लोगों को 1000 रुपया मिलता है, आप लोग 1000 रुपया में काम करती हैं? जी 1000 रुपया नहीं, जिस तरह पारा पड़ी कार्य जिस तरह से होता है उस तरह से पैसा मिलता है, लेकिन उतना जितना जिस तरह से काम होता है उस तरह का पैसा अनुसार नहीं मिलता है। तो हम लोगों का सरकार से यही हम लोग का निर्देश है कि हाँ सरकार हम लोगों का वो थोड़ा पैसा दे करके हम लोग का भुलाए वाला काम ना करे, हम लोगों को जो है मानदेय बना दे 10000 से, मैंने 10000 में तो दम नहीं है लेकिन उस दम में 10000 से हम लोग मैंने संतुष्ट कर लेंगे कि हाँ चलिए हम लोग 10000 का मानदेय हम लोग का चाहिए और 10000 से अपना मैंने देखभाल करेंगे। लेकिन इतना ना हम लोग का ये है कि मैंने कुछ कुछ काम है कि फ्री में कराया जा रहा है, कुछ ऐसा काम है कि जो कि बहुत मजदूर 12 बजे रात को भी फोन आता है कि मेरी पत्नी को डिलीवरी होने वाला है, आपको वहाँ जाना पड़ता है और उस मरीज को लेकर के हॉस्पिटल आना पड़ता है और भी फ्री में आप फ्री में मान लेते हैं। 2006 से हम लोग हैं, जब कुछ नहीं था तब से हम लोग हैं, आशा के लिए रूम बनेगा, आते हम लोग कुछ रहना होगा मरीज लेके तो मरीज के साथ साथ रहेंगे, उठिए वहाँ जाइए यहाँ नहीं बैठिए। अच्छा मैडम जी आप एक मरीज को लेकर आई थी, आप एक मरीज सरकारी साधन कोई नहीं, आज तक हम लोग कोई मानदेय सुधार मिलता है, जितना काम करो उतना हम लोग को नहीं मिलता है। इज्जत से आओ तो बात इज्जत से नहीं करेंगे, इधर जाओ तुम आशा है तुम हटो, हम लोग के यहाँ देखिए जिस जगह रहा जाता है वहाँ का गार्जियन एक होता है, हम लोग सदस्य हैं। अच्छा एक मिनट, आप लोग मरीज को जब लेकर आते हैं, हम लोग कोई इज्जत नहीं लेकर आते हैं, तो अगर मरीज को कुछ होता है तो मरीज वाले भी बोलते हैं और इधर हाँ आशा लेकर आई है, हमारे मरीज को ये हो गया वो हो गया, इधर से प्रभारी लोग भी बोलते हैं आप लोगों को, हम लोग पर है। अगर हम लोग देखा था डंकर हॉस्पिटल में आपको किधर से बोला जा रहा था, देखे कि नहीं देखे? एक तो यहाँ पर है कि जब डिलीवरी करा रहे तो NICU का बंदोबस्त करना चाहिए, कुछ होना हो NICU चाहिए कि तत्काल में कम से कम बच्चा को उसको तो सुरक्षित करे, यहाँ ना कोई साधन है। आशा को घर जो लेके आए वो भी सुनो और सर जो बोले सो भी सुनो, वो भी फ्री में। अगर मरीज लोग 2 रुपया नहीं देगा आशा भूखे घर चल जाएगी, उसको 1 रुपया भाड़ा भी नहीं मिलेगा, ना आशा को कोई इज्जत है यहाँ बैठने का, कोई आ रहा है कहाँ तुम्हारा इज्जत, कहाँ रोड पर घूम नहीं रहे हैं, आशा रोड पर घूम नहीं रही है, क्या चीज़ का पर हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित कर दीजिए, हम लोग का मान दे दीजिए, रहने का साधन दीजिए, हम क्या चाहिए हमको। प्रभारी खाली आशा के पीछे घूमता नहीं, जो आशा कौन काम करता है, आशा कहाँ जाता है, आशा का करता है, पैसा देते नहीं, अब पैसा देते नहीं, प्रभारी से नहीं लड़ते हैं, सरकार से लड़ते हैं, हम लोग पेट नहीं भरते हैं तो नहीं लड़ेंगे। कुर्सी मिला हम लोग छोटा है तो उसको हक में नहीं मांग रहे हैं, नहीं रोएगा तब तक खाना नहीं मिलेगा, आजकल का युग है नहीं लड़िएगा तब तक कुछ नहीं मिलेगा, भूखे मर जाइएगा रोड पर। कदर करते हैं हम लोग को, कदर नहीं करते हैं, बेल बेर बोलता तुम लोग को चैन मुक्त कर देंगे, ये कैसे प्रभारी का है, इतना काम करते हुए बोलूं आपको, बोलूं कुत्ते खानी झर आती हूं मीटिंग में, गेट पर उधर गेट पर उधर गेट पर कुत्ते खानी झर आ रहा है। ये समस्या खाली रोवल के रक्सौल मंडल के आशा के, सुन खाली रक्सौल हॉस्पिटल के ही समस्या बा कि हर एक जगह, देखिए इतना बड़ा हॉस्पिटल है आप लोग घूम के जाके देखिए कि आशा के लिए कौन सा एक रूम होगा, आशा के एक साधन आप बता दीजिए। ये कि महिला को हर जगह इज्जत मिलता है,
अगर हम लोग यहाँ पर महिला है 24 घंटा काम करते हैं और यहाँ पर प्रभारी सर जो है वो गलत तरीका से हम लोग को बोल रहे हैं। ये बात सही है बताइए, हम लोग अपने मांग कर रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। प्रभारी आपको गाली दे रहे हैं? वैसे ही बोले हैं तब सर, महिला लोग को ऐसे खुशब्द बोले हैं, अच्छा शब्द से नहीं बोले हैं। प्रभारी कहतारन से हट जा लोग, तनिक हट जा लोग से रे रे ये कहतारन प्रभारी हंगन हमनी के कदर करे नि सब उकरा के हमनी के प्रभारी होंगे बोलियन बोली कि ना हई ताला खुले खुलेगा ताला नहीं खुलेगा नहीं खुलेगा मिली ताले हमनी के ताला ना खुलम सो हे मरीज मरीज के ना सुन रौरा लगी स्वास्थ्य कर्मी बानी तो स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल लेंगे ना करला ताला ना मारला बहुत लोग मर सकता कोई इलाज इमरजेंसी होता इमरजेंसी होता इमरजेंसी रोक नहीं के इमरजेंसी चालू ओपीडी नहीं चलेगा पर ताला भी नहीं खुलेगा इमरजेंसी चलेगा डिलीवरी हो रहा है इमरजेंसी चलेगा क्यों चलेगा क्योंकि इमरजेंसी है उसके लिए हम कभी नहीं रोकेंगे हम लोग स्वास्थ्य कर्मी हैं देख सकते हैं साफ इन लोगों का कहना है कि हम लोग ताला लगा दिए हैं हम लोग ताला खोलने वाले नहीं है हाँ इमरजेंसी के लिए हम लोग इमरजेंसी वार्ड को फ्री कर दिए हैं वहाँ पे मरीज आप भर्ती कर सकते हैं लेकिन ओपीडी सेवा हम चलने नहीं देंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। इन लोगों का मांग है कि 1000 से मेरी पेट भरता नहीं है भैया 24 घंटा हम ड्यूटी करते हैं और मिलता है हम लोगों को 1000 रुपया इसलिए 1000 में दम नहीं और 10000 से दम नहीं 10000 से कम नहीं टकराएगा चूर चूर हो जाएगा वेतन मानते तो चाहिए हमको कमीशन नहीं चाहिए सारी कर्मचारी घोषित कर दीजिए हम लोग को मान देते हैं कहा जाता है जब जब नारी जागी है कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है क्या लगता है जब जब नारी जागी है बदलाव होता है बदलाव होगा जी होगा 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 देख सकते हैं और ऐसा जितने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अब धीरे धीरे उग्र हो रहे हैं और यहाँ पर SDM साहब और DSP साहब पहुँच चुके हैं मौके पर अब देखिए क्या कुछ हो रहा है जैसे जैसे होता रहेगा हम आपको जानकारी देते रहेंगे। अब धीरे धीरे प्रदर्शन जो शांति रूप से बैठे हुए थे सारे लोग खड़े हो गए हैं अब देखिए इसके बाद क्या कुछ होता है। भी कमेंट कर बताइए कि इनकी मांगे सही है कि नहीं है क्या इन लोगों को 10000 रुपया देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए हालांकि यह प्रभारी की बस की नहीं है यह बिहार सरकार की बस की है तो देखिए क्या कुछ होता है इन लोगों का मांगे पूरी की जाती है कि नहीं की जाती है।